गाय का क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो आप, क्या क्या बीमारी लग रही है आपको इसकी? वो गाय रे, वो बीमारी लगी नहीं साहब, वो लंपे की बीमारी, लंपे की बीमारी। हाँ, मैं उसका इलाज कर रहा। तो उसमें क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो आप, क्या 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 करते हो उसमें? वो मेडिकल में तो दवाइयां दीजी लई है, कीरा रा तेल ने वो कपूर होता नहीं, वो कपड़ा में गलो। हाँ, वो ने वो कपूर थी, कीरो जट मरे खत्म हो जाए। कपूर एक एक तो कपूर है, और क्या चीज है वो? पीपीओ, एक पीपीओ, एक वो आवे वो फिनेल, कालो फिनेल। अच्छा, फिनेल। हाँ, वनती सा वो धोवे गर्म पानी तीन साफ करें, मैं वो काम कर दिया। गाय सेवा करो आप, आ है देसी इलाज करे दिया ने, आ है बिलोरी गाय। अच्छा, बिलोरी गाय जो को मैंने कोई अदा अवर करे को नहीं, बापड़ी बूढ़ी गाय ने हमें आ बीमारी थी लड़े रही है, जो मैं कि भाई आप लावो अपनी माई से, आ जो मैं खुद करी रही हूँ सा। तो आपको पता कैसे चला कि यही बीमारी है, क्या देखा आपने? बीमारी है पूरा पूरा फैंक फुड़ा बुआ मोरों में। अच्छा, आप देखो सा है पूरा ये घूमड़ा भी आटे है। ये वाला तो बीमारी से अन्य पगरे पहला सूजन नहीं है। हाँ, पहला सूजन नहीं, पगरे पगरे सूजन नहीं, पग फूटो सूजन आवे ना, एडो मोटो एक सालो भी हो, वो सालो वो सालो फूटो फूटे ने भाई मैं कीड़ा हुआ जब मैं आटे नहीं थी, जब मैं गाँव में आई फांसे तो हमें मैं अन्य इलाज करवा देती हूँ। तो अभी तक आप कितनी गायों का ट्रीटमेंट कर चुकी हैं? मैं कम से कम मैं 500 गायों रहा। 500 गा, पाँच छः। अच्छा, पाँच। अच्छा, तो आसपास के लोग आपके पास आते हैं यहाँ पे? आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कोई फ्रैक्चर है बीजो या कोई बीमारी है तो वरना वास्ते लोग आवे। हाँ, बीमारी तो हर लोग समझे लिया कि भाई लुका रुका कर लो, तो वे क्या है मारो तो गा रहे इलाज में भाई कोई ना, तो मारी मारी तो मारी मारी वे जो तेरी कोशिश मैं करूँ रही हो। अठा अलावे भी मारी तो उन्होंने किस्मत है, भले वे घर दनी छोड़े रिया तो मैं करी रही हूँ इलाज। तो खाली गायों का इलाज करती हैं आप या उसके अलावा और दूसरे जानवर इलाज करू रही हो? और लुगाई डिलीवरी माता जाऊ रही हो, डिलीवरी कराऊ रही हो। अच्छा, अच्छा। जो कोई अनसोरा रहे तो दो ही अंगूठा कटियो रहा है। अच्छा। अन्य बकरिया खादा हुतो तो नींद में छोटो तो जो बकरिया आया दो ही अंगूठा खाई गया, डीओपी भागी थी अन्नी तो अन्य डॉक्टर साहब क्यों कह के ऐसा ऐसा अंगूठो बकरियो तो कहने तक काटना पड़ी, मैं काटा तो नहीं दू, अन्य मारी जिंदगी खराब है जी अंगूठा वगैरह। जब मैं घरे आए हुए मैं खुद ट्रीटमेंट की दौड़ने अन्य करें वो बे अंगूठा वे हदय इनका अंगूठा दिखाओ। हाँ, ये अंगूठा देखो आप, देखो अंगूठा रे पूरो ये टर्न है ना, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता कभी भी। ऐसे ये कभी देखे, बिल्कुल नहीं होता। ये सेद है, ये ऐसे हो जाएगा, दोनों अंगूठे कटे थे, ये सेद है नहीं, ये देखो यहाँ सिलाई हुई है, इन्होंने की है सिलाई, इन्होंने सिलाई की है, और ये ऐसे टर्न होता है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता ये। तो ये आपने ठीक किया है, मैं आपने किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, मैं खुद किया। तो आपको पता कैसे चला कि ये ऐसे ही ठीक करना है? ऐसे आपने कैसे सीखा है क्या? मेरे पिताजी के साथ में सीखा। मैं पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी मेरे गाय खुदरी गायों थी, खुद ट्रीटमेंट करता यू रही गायर, हम हमारी बच्ची कर रही है अन्य मैं सिखा रही हूँ। अच्छा अच्छा, इनको भी सिखा, ये मेरी बच्ची है, वो मेरी बच्ची को सिखा रही है। अच्छा, ये बेटा यू कर मगड़े देना ना सिखा रही। तो कितने सालों से आप गायों की सेवा कर रही और ये ट्रीटमेंट कर रही हो? छोटी थी जी, मेरे पापा के साथ में मेरी थी, पापा कैसे करते कैसे नहीं करते। अच्छा, वो सीखा आपने फिर वहाँ? सीखा। तो ये आपके जो बेटे हैं ये बता रहे हैं कि आप बहुत सालों से ये सेवा कर रही हैं और आप इसके लिए कई बार विदेश भी होकर के आई हैं, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ मेरे को। मैं लोक पशुपालन संस्था है, संस्था के साथ में। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डायली, डायली देवी। हाँ, राई का। ठीक है, तो अब आप पूरी डिटेल बताओ मेरे को थोड़ी। तो अनगर लोकहित पशुपालन संस्था में मैं बोर्ड मेंबर हूँ। तो मेरी समाधरा वास्ते है, हर समाधरा वास्ते है, कोई समस्या वे कि भाई ये लोगों ने अटू पशुपालक सारवा नहीं दे तो जंगलात वाला थी लड़ो, फिर भी वो के मराठी ने खेतों वाला कोई लड़ाई करे कि ये यू कह अटू बाहर जाओ अटे घर में हटाओ, तो क्यों हटाओ भैया ने, आप तो जमीन दिए नहीं है, गवर्नमेंट की जमीन में आप ही बैठा है, मैं ही बैठा हूँ, तो मैं क्यों सा नहीं हटे। तो वनर वास्ते में लड़ो, कई बार पाली कलेक्टर साहब गन्ने में पेश हुआ। अच्छा। लोगों ने लेन लोगों के साथ में, कई बार एसडीएम साहब गन्ने से पेश हुआ,
तो वह लोग कोई समस्या नहीं, फांसी बैठा हिता जटिस बैठा। तो आप गायों की सेवा करते करते विदेश कैसे गई, विदेश जाने का क्या किस्सा? विदेश लोकहित पशुपालन संस्था में मैं काम करती थी, तो लोकर साथ में काम करती, तो लोकर ही समस्या बाहर घूमती में कि भाई बाहर कोई समस्या है, अपना देश में कोई समस्या है, तो अपनी समस्या बाहर में बताओ ना, बाली समस्या होने ना अपना देश में बताओ कि अगला सरकार में तो ऐसा कौन वेरियन अपर सरकार में क्यों नहीं करता, जो सरने का अधिकार है, जो बना कोई आखिरी चीजों है, तो आप गवर्नमेंट दो, पहला देता नहीं तो वीर भी दो, पहला मारा गन्ने जंगल डी हकदारी है, जो पासबुक होती है नी खेतो और इन बीजी ने जड़ी पासबुक है, तो जंगल रही को पास सबर गन्ने है, जाटो गन्ने है, माड़ियों गन्ने है, हेंगोर हक तो जंगल में, तो हमें गवर्नमेंट धीरे 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 हेंगोर हक खत्म कर रही है, खत्म कर रही है, तो उन्होंने क्यों भाई मारा हक है जो मैं खत्म नहीं करवा दू, मैं लड़ोला सुप्रीम कोर्ट भी लड़ोला, हाई कोर्ट भी लड़ोला, मैं केस ही किया था पर मैं लड़ोला भी जो मैं जावा नहीं दोषी। तो आप अब तक कितने देशों में आप होकर के आ गई हैं? केन्या, कनाडा, स्विट्जरलैंड, स्पेन, जर्मनी ने बे टूर, केन्या रा किया बे टूर, जर्मनी ने रखी था, ने कनाडा रा एक, स्विट्जरलैंड रा एक, स्पेन रा एक, ने अमे में जॉर्डन की थी, जॉर्डन काले सही हूँ। तो वहाँ जॉर्डन और ये केन्या और ये स्पेन रे आप इतनी जगह गए, वहाँ काम क्या करते हो आप? मैं वो लोगों के साथ में काम करती हूँ, तो वो संस्था है वो मीटिंग में नहीं बड़ी बड़ी हाँ। मीटिंगों में जो अच्छा, तो मीटिंग में क्या वहाँ पे बोलते भी हो क्या आप? हाँ। किस बारे में बोलते हो? वो हमारा आकरा वास्ते, आकरी लड़ाई रा वास्ते। अच्छा अच्छा हाँ, कि आप प्रदेश में तो हक दीदा है भाई, यूर यू लड़ता 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 वहाँ ने हक मिल लिया, तो अपनी गवर्नमेंट अजय नहीं ढूंढ रही, अपन ने हक नहीं मिले दिया। हाँ, तो अब आगे क्या प्लान है आपका, क्या करना चाहते हो आप? मैं कह रहे हो कि हमारा जो हक है, अधिकार है, वे मन समुदाय अधिकार मन मिलना से। चलो, वो आपका अधिकार आपको मिलेगा। और ये अभी जो लंपी बीमारी फैल रही है, इसके बारे में अब आप एक बार और बता दो, एक देसी ट्रीटमेंट आप क्या करते हो, किस तरीके से करते हो, तो जो देखने वाले हैं वो भी समझे। हाँ, मैं अन्य वो हल्दी गुड़ ने वो फटिकरी आप थोड़ी थोड़ी उन्होंने मिला भी नाल दो जो को अंति थोड़ी कम पड़ी है, दो तीन गाय तो मैं आटा देखो अन पानी पास सोड़िया था, अने सारा सोड़िया था, तो आप थोड़ी थोड़ी ठीक भी वाट चुकी है। तो हल्दी लेनी है? हाँ, हल्दी और गुड़ लेना है, गुड़ी लेना है और फिटकरी लेनी है, तीन तीन चीजें लेनी है, उनका क्या करना है? वो पानी में घोले, पानी में घोलना है उसको, करे ना इसमें पिला देना है। तो कितना पिलाना है, कितनी हल्दी? एक बोतल। अच्छा, रोज एक बोतल बनाओ, रोज की एक बोतल पिला दो, या एक बोतल सुबह एक बोतल शाम को ऐसा पिलाओ। एक बोतल, कितने टाइम तक पिलानी है वो? मतलब तीन दिन पिलाया, तीन दिन एक एक बोतल पिलाओ। हाँ। और दिन में एक बार ही पिलानी है वो बोतल या एक बार फसे तो बारे बार अपनी फरवा ना जाए थोड़ी देर। अच्छा, एक दिन में एक बोतल पिला दो जो आपने बताया वो, और वो तीन दिन तक पिला दो, ठीक हो जाती है। ठीक हो जाती है।